सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुशील बिश्नोई, फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया। तो आज का टॉपिक है एजुकेशन लोन को लेके। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स भी आए थे, मैसेजेस भी आते हैं, बोलते हैं कि भैया एजुकेशन लोन पे कोई वीडियो वगैरह बनाओ, इन्फो दो कि क्या सीन है, एजुकेशन लोन मिलता है क्या बैंक से, कौन कौन से बैंक, क्या क्या क्राइटेरिया वगैरह है। तो उसी को लेके आज हम लोग देखने वाले। थोड़ा बहुत इन्फो इधर उधर से देखा तो पता चला कि हाँ, कुछ लोग, कुछ बैंक्स हैं जो लोन देते हैं, एजुकेशन एजुकेशन लोन देते हैं, जिसमें से कुछ बैंक है जैसे SBI हो गया, यूनियन बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, HDFC हो गया। बाकी डिपेंड है कि आपके एरिया में कौन कौन से बैंक है, उन पे डिपेंड है। मतलब जो जो मेजोरिटी में है, जैसे मेरे घर के पास है जो SBI का बैंक है, तो आप डिपेंड करता है, आप जाओ और उन ब्रांचेस में पूछो कि SBI बैंक लोन देगी या नहीं देगी आपको। उसके लिए मतलब कुछ क्राइटेरियाज है, जैसे कि आपका इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आप अगर इंडिया में हो, आप इंडियन हो तभी आपको लोन मिलेगा। और दूसरा है कि आपका एकेडमी रिकॉर्ड है, जैसे कि आप पढ़ाई में अच्छे हो तभी आपको लोन मिल सकता है। उसके अलावा आप जिस कंट्री में जा रहे हो, जो भी यूनिवर्सिटी में जो भी डिग्री करना चाहते हो, उसका ना एक इनविटेशन लेटर होता है। तो आपको इनविटेशन लेटर यूनिवर्सिटी का निकाल के बैंक में जब आप डिटेल्स भरोगे कि आपको किस लिए लोन चाहिए, तो उस चक्कर में आपको वो डिटेल्स भरनी पड़ेगी आपको। एंड वो एडमिशन लेटर है, यूनिवर्सिटी आपको देगी कि कितना क्या फीस है भरना है आप बैंक को, यूनिवर्सिटी की फीस वगैरह वगैरह। तो वो चीज़ें भी, वो एडमिशन लेटर भी आपको उसमें चाहिए होगा, और आपका एज का प्रूफ भी चाहिए होगा इसमें कि आपकी एज कितनी है। हाँ, सबसे बड़ी बात रेजिडेंस, आप कहाँ के हो, एंड रेजिडेंस का प्रूफ वगैरह वगैरह ये चीज़ें चाहिए होगी। और ऐसा है कि बैंक की लिमिट्स भी होती है, दो टाइप के लोन देती है बैंक, एक होती है कोलेट्रल एंड एक होती है नॉन कोलेट्रल। मतलब एक हिसाब से बताऊँ तो एक लोन ऐसा होगा जिसका अमाउंट कम होगा, ठीक है। नॉर्मली ये अमाउंट बैंकों पर वेरी करता है, अब एवरेज मान के चलो तो 7 लाख के आसपास है कि 7 लाख पैसे आपको है ना लोन पे देगी बैंक, लेकिन उसमें आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड कुछ जैसे आप अब्रॉड में MBBS कर रहे हो तो आपको 7 लाख से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है इधर, मतलब इंडिया से मुकाबले तो कम है लेकिन है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा उसके लिए। तो वो हो गया कोलेटरल, मतलब आपको कुछ ना कुछ गिरवी रख के फिर आपको यूनिवर्सिटी है जो लोन देगी। तो आपके पास ना ऐसी कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसके जिसको आप ना गिरवी रख के आप लोन ले सकते हो, और वो प्रॉपर्टी हो सकती है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, आप जहाँ पे रहते हो, या तो वो खाली प्लॉट में भी नहीं मिलती आई थिंक, एंड गोल्ड पे मिलता है, गोल्ड लोन, गोल्ड आप गिरवी रख के भी ले सकते हो लोन। तो हाँ, और उसका भी एक सीन है कि जितनी आपकी प्रॉपर्टी है उसका लगभग 85% है जो बैंक आपको लोन देगी। मान लो कि एक हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है, तो आपको बैंक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 85 लाख का ही लोन दे सकता है, उससे ज़्यादा आपको लोन लोन नहीं देगा बैंक। हाँ, और उसके अलावा है कि बैंक आपको किस किस चीज़ के लिए किस किस चीज़, मतलब क्या क्या चीज़ पे कर सकता है यूनिवर्सिटी की साइड से, यूनिवर्सिटी को। पहली बात है कि आप अगर अब्रॉड में जा रहे हो तो यूनिवर्सिटी की फ़ीस होगी, ठीक है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस है। एंड उसके अलावा आपकी हॉस्टल की फ़ीस है, हॉस्टल की जितनी फ़ीस है वो भी बैंक लोन में पे कर देगा, आपके बुक्स के खर्चे, एंड उसके अलावा आपकी फ़्लाइट की टिकट भी होगी एक साइड की। मतलब एक बार आप अगर जा रहे हो तो एक बार जाने का खर्चा है जो बैंक देगा, और एक बार आने का खर्चा बैंक देगा। अब आपका मान लो कोर्स ड्यूरेशन 6 साल का MBBS का, तो आप एक बार भी जा सकते हो और एक बार भी आ सकते हो, मतलब बैंक इतना ही देगा आपको। अगर आपके पास है तो आप आ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके अलावा मेस का पैसा भी आप यूनिवर्सिटी पे बैंक है जो पे करेगा आपको, तो इतना सीन है बैंक की साइड से, ये बैंक आपको पे। उसके अलावा मैं आपको कुछ बैंक्स बता देता हूँ कि कौन कौन सा बैंक कितना कितना लोन देगा आपको। तो नॉर्मली देखो ऐसा है कि 1 करोड़, 1 करोड़ से प्लस प्लस, एंड 1 करोड़ मान के चलो आप अगर एब्रॉड में जा रहे हो तो
मैं लोन वाली रशिया की बात कर रहा हूँ, एवरेज फैमिलीज 1 करोड़ का ही लेगी, इतना भी नहीं लगेगा वैसे, नॉर्मली कम ही लगता है इधर। यूनिवर्सिटी की फीस है जो 20-25 लाख के आसपास होती है, ठीक है। तो उसमें होगा कि आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, लो बैंक को देना पड़ेगा और बैंक आपको लोन देगी। एंड उसका भी कुछ सीन है कि या तो आप हर साल, क्योंकि बैंक है ना 100% फीस पे नहीं करेगा आपकी, मान लो 6 साल का कोर्स है, ठीक है, तो या तो आपको फर्स्ट ईयर की पूरी फीस आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है, एंड बाकी सेकेंड ईयर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स की बैंक है जो पूरी पे करेगी, या फिर ऐसा होगा कि एक हर ईयर ना बैंक जितनी यूनिवर्सिटी की फीस है उसका 85% है जो बैंक पे करेगा, 15% आपको पे करना पड़ेगा हर साल। तो आपकी मतलब अंडरस्टैंडिंग होगी बैंक के साथ कि आप कैसा करना चाहते हैं, या तो 1 साल की आप पे कर दो, बाकी 6 साल की 5 साल की पूरी बैंक पे कर देगा, या फिर हर साल आपको 15% बैंक को यूनिवर्सिटी को आपको पे करना पड़ेगा, ऐसा सीन है, तो ये भी देख लेना। हाँ, और ब्याज की बात है तो कितना लग सकता, कितना परसेंट पैसे ज़्यादा लगेंगे बैंक को वापस, जब हम लोग इंटरेस्ट किस इंटरेस्ट पे हम लोग लेने वाले हैं उसके बारे में भी बताता, ये डिपेंड करता है एंड वेरी भी करता है बहुत ज़्यादा। अगर आपके जान पहचान में कोई बैंक है या फिर आपका कज़न, आपका कोई फैमिली मेम्बर बैंक में काम करता है तो आपको अच्छा हेल्प मिलेगा उसमें, क्योंकि देखो ऐसा है कि 11% है एजुकेशन लोन अभी अभी, मतलब मान के चलो तो 11 से प्लस ही है एजुकेशन लोन। और अब इफ आपका कोई फैमिली मेंबर या मैनेजर, बैंक का मैनेजर आपका कोई फैमिली मेंबर का फ्रेंड वगैरह हो, तो पहली बात तो आपको इंटरेस्ट रेट भी कम मिलेगी, एवरेज मान के चलो 8% तक आई जाएगी, 8% तक आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा, ऑफिशियली नहीं है लेकिन 8% तक आपको मिल जाएगा अगर आपकी अच्छी जान पहचान है बैंक में। हाँ, और दूसरी बात, इफ अगर आपकी जान पहचान नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी इस चक्कर में कि जाएं बैंक को, घूमना पड़ेगा, बैंक आपको घुमाएगा, आपके अप्रूवल नहीं मिलने वाला ऐसी चीज़ों में, क्योंकि बैंक नहीं चाहती कि स्टूडेंट्स लोन दें, होता है नॉर्मली होता है, मैं खुद गया हूँ, मेरी मेरा पर्सनल रीज़न है यही, मैं गया था, बहुत घूमा था, बट आपको घूमना पड़ेगा पहली बात, ठीक है, कोई भी ब्रांच में जा रहे हो आप जाके पूछो, एंड अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर हो तो आप उनसे बात करो सीधी, वो बहुत इजीली ये चीज़ें करवा देंगे, क्योंकि हम लोग नए हैं और वो ऐसे नहीं देते वो लोन, तो ये बात है बैंक का। तो बैंक में बता देता आपको नाम, HDFC दे देगा, एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक, SBI बैंक, बाकी आप पे आपके एरियाज में जो बैंक है आप ट्राई करो, है सबका सिस्टम है, सब देता है, हाँ लेकिन उसमें भी है कि कुछ बैंक्स है जो इंडिया में देती है लोन्स, तो आपको जाके पूछना है कि हमको एब्रोड MBBS में लोन चाहिए, एब्रोड MBBS के लिए, ठीक है, तो उसमें ये 3-4 बैंक्स है जो आपको लोन्स देगी, और उसके अलावा है कि वापस पे करने का क्या सिस्टम है, तो पे करने का सिस्टम ऐसा है कि 6 साल तक तो आपको कुछ नहीं देना, ठीक है, बैंक पे करेगा आपकी फीस वगैरह वगैरह सारा, और 1 साल तक आपको मिलेगा टाइम, इफ अगर आप प्रिपरेशन डिग्री होगी आपकी तो या तो जॉब करो या फिर गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन करो, ज़रूरी नहीं है ये MBBS का, ये सबका यही सीन है, MBBS में ऐसा होगा कि हमको 1 साल इंटर्न करनी पड़ेगी इंडिया जाके, तो एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, तो वो है कि 1 साल आपको और ज़्यादा टाइम मिलेगा, 7 साल का टाइम मिलेगा पूरा, 7 साल के बाद बैंक है जो आपका वापस इंटरेस्ट के साथ पैसे लेना स्टार्ट कर देगी, तो आपको वापस पैसे पे करने शुरू करने पड़ेंगे, एंड वही है कि लिमिट होती है कुछ 15 साल के आसपास की, तो 15 साल तक आपको पैसे पे करने पड़ेंगे पूरे के पूरे, यही प्रोसेस है, बाकी आपको खुद को बैंक की ब्रांचेज में जाके देखना पड़ेगा कि कितना क्या पैसा लग रहा है, क्या क्या सीन है, इसके लिए मैं एक लिंक दूंगा आपको, एक फॉर्म भी फिल कर सकते हो जिसमें आप सारी बैंक्स में रिक्वेस्ट कर सकते हो कि कोई ना कोई बैंक अप्रूव करेगा, लेकिन ये ऑनलाइन वाला कोई झंझट मत रखो, मेरा मानना है कि आप खुद बैंक में जाओ, खुद बात करो जाके, ताकि ये इजीली ना सोल्व हो जाएगा आपका मैटर, क्योंकि ये मुश्किल है काम, बहुत घूमना फिरना पड़ेगा आपको इस चक्कर में, बस वही है लोन की। हाँ, लोन की लिमिट 15 साल की है, आपको 15 साल के अंदर अंदर पूरा पैसा आपको वापस पे करना पड़ेगा, तो देख लो कि 6 साल की आपकी डिग्री हो गई, 1 साल को आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, तो 7 साल, 7 साल के बाद 8 साल रहेंगे, 8 साल के अंदर आपको वो जितने पैसे बने विथ इंटरेस्ट वो आपको पे करने पड़ेंगे, तो उसमें है कि कितने पैसे एक महीने के हिसाब से कितने पैसे हुए वो मैं अभी हिसाब नहीं किया हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़्यादा भी होने वाला,
तो वो बैंक पे डिपेंड है कि कितना क्या बैंक लोन लेता है, आप कितना लोन लेते हो पहली बात तो, और किस इंटरेस्ट पे देगा बैंक आपको लोन, वो भी डिपेंड करता है। तो बस यही बात है, जाओ और फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लो, इसमें ज़्यादा इजी रहेगा वो, क्योंकि वो अगर उनकी जान पहचान है तो बहुत इजीली हो जाएगा ये काम, बाकी तो बहुत मुश्किल है ये। और गिरवी वाला सीन है तो कोशिश करना मत ही लो आप लोन, क्योंकि ये ज़्यादा ठीक नहीं है। बाकी हाँ है ठीक, अगर आपकी आप देखो गलत कुछ नहीं है, आप बैंक को कुछ दोगे बैंक आपको पैसा देगा, सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर है कि फिर बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा इस चक्कर में भी आपके, क्योंकि देखो मान के चलो यूनिवर्सिटी की फीस एंड नहीं नहीं करते 25-30 लाख रुपए हो जाते, तो आप गैस अंदाज लगाओ कि 6 साल में 7-8% की रेट से ना अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं। और फिर जब आप भरना स्टार्ट करोगे ना तो उन्हीं पैसों का भी है ना इंटरेस्ट लगेगा आपको। मान लिए कि 6-7 साल में आपके पैसे हुए, ठीक है, फिर जो पैसे हुए उनका भी इंटरेस्ट लगेगा और ज़्यादा, तो मे भी आई थिंक डबल होने वाले पैसे इतने टाइम के अंदर अंदर। तो देखना आप पे डिपेंड है, अच्छा सा बैंक देखो एंड कम इंटरेस्ट पे ही मिल जाएगा आपको, ज़्यादा घूमना फिरना पड़ेगा। एंड हाँ यूनिवर्सिटी की बात है तो आपको पहले यूनिवर्सिटी चूज़ करनी पड़ेगी, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा के एंड उसके बाद इनविटेशन लेटर मंगवाना पड़ेगा आपको। इनविटेशन लेटर मंगवाने के बाद ही ये लोन वाली प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है, बिना इनविटेशन लेटर बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि बैंक को पता ही नहीं है कि आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, आपका कितना पैसा लगने वाला, तो बिना ये चीज़ें जाने बैंक कभी अप्रूव नहीं करेगा। तो पहले यही करना पड़ेगा आपको, यूनिवर्सिटी एंड कंट्री चूज करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि वो बैंक उस कंट्री में लोन दे रहा है क्या। तो रशिया के मैंने बैंक्स बताए हैं ये बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, तो ये बैंक्स हैं जो लोन देते हैं। तो बस यही था आज का सीन, अगर कुछ और डाउट्स हो तो मैसेज करिएगा, रिप्लाई करूँगा, बता दूंगा क्या क्या सीन है, और बता भी देना कि कौन सा बैंक ज़्यादा। हाँ और भी बैंक्स के नाम है, बहुत ज़्यादा बैंक्स है वैसे तो, लेकिन इंटरेस्ट का फ़र्क है, पैसा सभी देगा, इंटरेस्ट पे डिपेंड है। और हाँ कुछ बैंक है जो एब्रॉड में लोन नहीं देते। तो बस आज का यही था टॉपिक, ख़त्म हुआ, नमस्कार।